हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवेज अहमद और आप देख रहे हो टेक्निकल परवेज। आपका स्वागत है मेरे चैनल में और आज हम आपको लेकर के आ गए हैं आपके लिए दो नए फ़ोन जो कि काफ़ी प्रीमियम हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं और चीप प्राइस में भी हैं। तो आपको देख सकते हो कि ये है नोट 12 और ये है नोट 11s, जो कि दोनों फ़ोन रेडमी के हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं और जो कि काफ़ी प्रीमियम बजट में भी है। तो आप देख सकते हो कि जो इनमें काफ़ी डिफरेंस है, जो कि डिस्प्ले का आप देख सकते हो, इसकी डिस्प्ले और इसमें डिस्प्ले काफ़ी डिफरेंस है। साइज़ काफ़ी, ये छोटा है ये बड़ा है। तो मैं आपकी इसकी डिस्प्ले की साइज़ बता देता हूँ, जिसकी इसकी डिस्प्ले है 6.43 इंच के साथ आता है इसका डिस्प्ले, और इसका आता है 6.67 इंच के साथ डिस्प्ले आता है। और अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसकी जो डिस्प्ले है एमोलेड डिस्प्ले है, दोनों के दोनों एमोलेड डिस्प्ले हैं। और जो इसकी रिफ्रेश रेट है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें आता है 90 हर्ट्ज़ के साथ, जो कि रेडमी नोट 11s में है, जो कि 90 हर्ट्ज़ के साथ आता है, और इसमें आता है 120 हर्ट्ज़ के साथ आता है। अगर हम इन दोनों की नीड्स की बात करें तो काफ़ी डिफरेंस है, दोनों की नीड्स में काफ़ी डिफरेंस है। ये जो आता है मिनिमम इसकी है जो 700 नीड्स के साथ आता है, और 1000 इसका जो पीक नीड्स है वो 1000 के साथ जाता है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो नीड्स है 450 के साथ आता है नॉर्मली, और 700 तक इसका पीक है, 700 से 1200 पीक पे इसका जाता है, जो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इसका ब्राइटनेस है। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी दोनों में प्लास्टिक की है, जो कि काफ़ी ठीक है। और दोनों में आप देख सकते हो कि साइड में फिंगरप्रिंट और वॉल्यूम बटन दे रखा गया है, और बैक कवर भी इसका दोनों का प्लास्टिक ही है, दोनों प्लास्टिक हैं बैक कवर भी। और साइड में आपको जो ऊपर में इसके आपको मिल जाएगा 3.5 mm का जैक। और इसमें एक चीज़ जो डिफरेंस है, आप देख सकते हो इसमें एक स्पीकर अपर में दे रखा गया, लेकिन नोट 12 में ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के दोनों सी टाइप हैं, और थोड़ा सा डिफरेंस है वो भी आप देख सकते हो। अगर हम इसकी एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है, जो कि ये आया था एंड्रॉयड वर्जन 11 के साथ, और नोट 12 आया है एंड्रॉयड वर्जन 13 के साथ। अगर हम म्यू वर्जन की बात करें तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इसमें 13 के साथ आया था नोट 11s में, और नोट 12 में आया था जो कि 14, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। अगर हम इसकी चिपसेट की बात करें तो काफ़ी दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। अगर हम इसकी नोट 11s की बात करें तो इसमें है मीडिया हेलियो G96 चिपसेट है। अगर हम इसकी बात करें नोट 12 की तो इसमें आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 6nm के साथ आता है। इसका जो चिपसेट है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पावरफुल भी है। तो आप इसमें अभी तक आपने काफ़ी चीज़ें आपने देख ली और सुन ली कि जो कि काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। इसकी जो प्राइस है काफ़ी चीप प्राइस है, आप इसको बहुत ही चीप प्राइस में 15 से 17, बहुत ही ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर अंदर आप परचेज कर सकते हैं इसको। लेकिन ये भी आपको उतना का ही मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, काफ़ी पुराना है, नियर अबाउट 1-1.5 साल से पहले ये लॉन्च हुआ था। अभी ये कुछ ये इसी में लॉन्च हुआ है, ये जो लॉन्च हुआ था 2022 में लॉन्च हुआ था, और ये लॉन्च हुआ है 2023 में। अगर हम इन दोनों में जो कैमरे की बात करें तो कैमरे में काफ़ी डिफरेंस है दोनों की। ये जो है Redmi Note 11s कैमरा, इसका आता है 108 मेगापिक्सल के साथ, और ये Redmi Note 12 का आता है 50 मेगापिक्सल के साथ। तो जो जैसा कि मैं कैमरे के बारे में बता रहा था, इसका जो कैमरा आता है इसका आता है 108 मेगापिक्सल के साथ आता है, और इसका आता है 50 मेगापिक्सल के साथ, जो कि इसमें बहुत सारे डिफरेंस है, आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम Redmi Note 11s के बारे में बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा कैमरा किस कैमरे के लिए आता है, जो कि आप ये बड़ा वाला कैमरा जो देख रहे हो, ये है 108 मेगापिक्सल के साथ वाइड एंगल में आता है। और जो छोटा वाला है उसका भी बारे 8 मेगापिक्सल एक है 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड के साथ आता है, और दूसरा है, तीसरा है माइक्रो, और चौथा है डेप। और ये LED फ्लैश के साथ आता है, HDR पैनोरमा के साथ आता है। और अगर हम इसकी 30 पर फ्रेम के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, FPS के साथ आता है, जो काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसकी Redmi Note 12 की बात करें तो इसमें भी दो तीन कैमरा दे रखे गए हैं, जैसा कि पहला है जो 50 मेगापिक्सल का है वो वाइड एंगल में आता है, जो दूसरा है 8 मेगापिक्सल वो अल्ट्रा वाइड के साथ आता है।
माइक्रो के साथ आता है। तो हम एक एक करके आपको कुछ पिक्चर कैप्चर करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसकी क्लियरिटी क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले हम नोट 12 की करते हैं कैप्चर। आप ये देख सकते हो कि जो काफी मतलब क्लियर है, जो कि आप देख सकते हो इसकी जो जूमिंग भी है काफी जबरदस्त है। और हम इसकी थोड़ा सा फ्रंट कैमरा भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रंट कैमरा भी अगर हम इसकी बात करें तो फ्रंट कैमरा आप देख सकते हो है नोट 12 का, जो कि इसका फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल के साथ वाइड एंगल में आता है, जो काफ़ी HDR भी है और काफ़ी मतलब इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। और अब हम बात करते हैं Redmi Note 11S की, जिसमें हमने एक एक करके आपको कैमरा के बारे में बताया था। अब इसके फ्रंट कैमरे की बात कर ले, अगर इसके हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल के साथ आता है और 16 मेगापिक्सल f2.5 के साथ आता है, वाइड एंगल में वाइड में आता है, जो काफ़ी अच्छा है। और 30 फ्रेम पर सेकंड के साथ आता है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो हम इसमें भी कुछ पिक्चर कैप्चर करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है, कैसा है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो कि ये भी ज़बरदस्त है। अब मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है दोनों के दोनों फ़ोन, और काफ़ी ज़बरदस्त भी है। और मैं आपको इसमें फ्रंट कैमरा का भी फ़ोटो दिखा देता हूँ, जैसा कि आप ये देख सकते हो फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इसके जो बात करते हैं तो जो कि Redmi Note 11S में जो कि स्पीकर है, स्टोरेज स्पीकर है, जो काफ़ी मतलब ज़बरदस्त है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा स्पीकर दे रखा गया है नोट 12 में, जो कि वो भी ठीक ठाक है, पर काफ़ी ठीक है। और हम इसकी अगर वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, इंफ्रारेड पोर्ट की बात करें तो रेडियो की बात करें तो काफ़ी एक एक करके मैं आपको गिना देता हूँ, जो कि इसका वाईफाई 802.11 के साथ आता है और दोनों में सेम है वाईफाई। अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ में ब्लूटूथ भी दोनों के सेम है, काफ़ी 5.0 A2 DP के साथ आता है, जो काफ़ी अच्छा है। GPS भी सेम है। और अगर हम इसमें NFC की बात करें तो दोनों में आपको NFC इनबिल्ड है। अगर हम इसमें IR सेंसर की, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे IR सेंसर होता है, ये जो आप देख रहे हो छोटा सा माइक के पास में जो एक है, तो ये IR सेंसर है और दोनों में अवेलेबल है। इसमें इस वाले में आपको रेडियो भी मिल जाएगा, इसमें आपको रेडियो नहीं मिलेगा। और दोनों के दोनों में USB-C टाइप है, OTG के साथ भी आता है। अगर हम अब इसमें सेंसर की बात करते हैं, सेंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में साइड में फिंगरप्रिंट है, पहला तो ये दोनों को साइड फिंगरप्रिंट हो गया। और दोनों में एक्सेलेरोमीटर भी है और दोनों में गायरो सेंसर भी है, कंपास भी है, प्रॉक्सिमिटी भी है, वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। और हम दोनों की अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी दोनों में 5000 mAh के साथ आता है नॉन रिमूवेबल, और ये दोनों के दोनों 33 W वायर चार्जर के साथ आते हैं। ये आपको 58 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है नोट 11S, जो कि काफ़ी फास्ट है। ये आपको 33 W वायर चार्जर के साथ आता है, जो काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसकी